वेलकम टू द चैनल दोस्तों। और उदयपुर टाइम्स के लीगल टॉक्स में आज फिर हम लोग आपको लेकर आए हैं एक अहम मुद्दे पर डिस्कशन के लिए। और आज का टॉपिक है एट्रोसिटीज ऑन द मैरिड वुमेन एंड देयर रेमेडीज एज वेल। तो आइए बात करते हैं, चलते हैं सर के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की समस्याएं हैं महिलाओं से जुड़ी और उसकी क्या रेमेडीज है। थैंक यू सोहेल, थैंक यू एवरीबडी फॉर गिविंग मी अ वेरी गुड फीडबैक। सी, today's topic is very important as such for the society and for a lot of married women, those are suffering across. देखिए, बहुत क्राइम होता आया है women के अगेंस्ट में। बहुत सारे लोग ignorant हैं कि क्या क्या उनके पास rights हैं, क्या क्या remedies हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं IPC के जो offenses होते हैं women के अगेंस्ट, especially we are talking about only for married women as of now. So basically what happens, IPC के ऑफेंस में जो होता है, शादी होने के बाद डावरी होता है, मेंटल हैरेसमेंट होता है, फिजिकल हैरेसमेंट जो होते हैं वो सेक्शन 498A के अंदर होते हैं, मुकदमा उसके अंदर दर्ज होता है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि शादी में जब जो सामान दिया जाता है जिसको दहेज बोलते हैं, वो आप इंटरेस्टमेंट कर देते हैं ससुराल वालों को, दिया जाता है दहेज के अंदर। फिर मान लीजिए अगर मैरिज में डिफरेंसेस आ गए हैं और अगर वो इंटरेस्टमेंट के बाद वो वापस स्त्रीधन नहीं देते हैं, विच इज बेसिकली वंस यू इंटरेस्ट द प्रॉपर्टी एंड इफ दे आर रिफ्यूजिंग टू गिव द प्रॉपर्टी, देन द मैटर इज रजिस्टर्ड इन सेक्शन 406। तो 498A 406 अमूमन रूटीन में जो अपन FIR देखते हैं उसमें होता है। इसके अलावा एक 494 का ऑफेंस भी होता है, जहाँ पे कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं साथ में और उनका हस्बैंड ने मान लीजिए डिवोर्स नहीं दिया और अगर दूसरी शादी कर लेता है तो उसमें 494 के अंदर मुकदमा दर्ज होता है और 7 साल की सजा है उसके अंदर। इसके अलावा 304B जो कि बेसिकली किसी भी लेडी की शादी के 7 साल के अंदर अननेचुरल तरीके से अगर डेथ हो जाती है तो दैट ऑफेंस इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 304B ऑफ IPC एंड इट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस ऑफेंस। इसमें LI का प्रोविजन है। इसके अलावा 306 जो होता है जिसको बोलता है अबेटमेंट फॉर सुसाइड। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फीमेल जो होती हैं घर में बहुत घबरा जाती है ससुराल वालों से, अपने हस्बैंड से, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस यू नो, एंड दे कमिट सुसाइड। सो इफ देर इज एनी अननेचुरल डेथ अगेन बाय अ लेडी एंड इफ देर इज एविडेंस, अ केस कैन बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 306। तो ये तो हो गए ऑफेंसेस जनरली जो होते हैं, ये 5 ऑफेंसेस हैं। इसके अलावा आता है रेमेडी। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो रेमेडी आती है वो आती है मेंटेनेंस के लिए। सेक्शन 125 ऑफ CRPC यू कैन फाइल फॉर द मेंटेनेंस एंड द कोर्ट विल गिव यू रिलीफ इन दैट। इसके अलावा 125 में अगर मान लीजिए कोई ओल्ड पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो भी सेक्शन 125 में दे कैन फाइल एंड दे विल गेट द रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट। तो ये तो हो गया हमारा IPC एंड CRPC। इसके अलावा हमारे पास और भी एक्ट्स हैं। तो ये तो आपने बताया अभी IPC और CRPC की धाराओं के बारे में कि क्या ऑप्शन और अवेलेबल हैं महिलाओं के लिए। अगर हम कुछ स्पेशल एक्ट्स या स्पेसिफिक एक्ट्स की बात करें तो क्या स्पेशल एक्ट्स बने हुए हैं इसके रिगार्डिंग? हम लोग सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में बात करते हैं। अमूमन हम रोज़ देखते हैं कि साहब डिवोर्स हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये जो है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर दावे जो हैं सेक्शन 9 एंड सेक्शन 13। 9 इज बेसिकली रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। मान लीजिए कोई हस्बैंड है जो अपनी वाइफ को छोड़ के चला गया, डेजर्टेशन कर लिया उसने, तो वाइफ के पास शी हैज़ द रेमेडी टू फाइल सूट अगेंस्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के साथ, मेरे साथ आगे रही है, मुझे मेंटेनेंस दीजिए, एक ये है। फिर सेक्शन 13 जो कि डिवोर्स, इट इज़ क्वाइट लॉन्ग टॉपिक बट हम सेक्शन 13 में बात कर रहे हैं कि जहाँ इफ द हस्बैंड एंड वाइफ दे हैव फाइल्ड अ सूट फॉर डिवोर्स देन दैट इज़ द रेमेडी अवेलेबल। नाउ समटाइम्स यू नो इफ द वाइफ फैमिली इज नॉट सो फाइनेंशियली वेल ऑफ, इफ शी नीड्स अ मेंटेनेंस, सो अंडर सेक्शन 24 दे कैन पुट एन एप्लीकेशन जहाँ वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि हमारे दावे चल रहे हैं सेक्शन 9 या सेक्शन 13 के अंदर तो मुझे मेंटेनेंस दिलाई जावे। तो चॉइस के अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि आप मुझे मेंटेनेंस दिलाएं, आप मुझे बच्चे की कस्टडी दिलाएं जो कि सेक्शन 26 के तहत आती है। तो ये रेमेडीज अवेलेबल। इसके अलावा एक सेक्शन 25 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर कोर्ट ये फैसला पास कर सकती है कि एक परमानेंट यू नो दे कैन गिव रिलीफ, लाइक दे गिव वन टाइम एलिमनी और प्रॉब्ली ब्रोकन दैट एलुमनी ओवर द मंथ्स एंड पीरियड्स। तो सेक्शन 24, 25, 26 जो है ये रेमेडीज़ हैं और सेक्शन 9 एंड 13 के अंदर आप जो है दावा कर सकते हैं। ये तो हो गया हिंदू मैरिज एक्ट का।
इसके अलावा जो एक और एक्ट है विच इज़ बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस 2005, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट. सी व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज़ अ वायलेंस अगेंस्ट अ वुमेन, यू कैन फाइल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 टू हैव वेरियस रिलीफ्स. देयर आर मल्टीपल रिलीफ्स इन फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, इन फॉर्म ऑफ कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन, in the form of protection of the woman. So these are various benefits which will fall from section 18 till section 22, including residence also. Now, what can be done is basically you can file an application under section 23, where you have already filed application under section 12, and it says that, you know, you can basically ask for a relief. The court will give you interim relief, not a permanent relief in these matters. कि मान लीजिए आपका बच्चा है जो हस्बैंड लेके चला गया, आपको बच्चा चाहिए, तो फिर आप स्पेसिफिक रिलीफ मांगें और कोर्ट सेक्शन 23 में दे सकती है. प्रोटेक्शन चाहिए तो कोर्ट दे सकती है उसके अंदर. तो जो वेरियस सेक्शन 18 से लेके 22 तक के अंदर जो रिलीफ्स दिए हुए हैं वो आप सेक्शन 23 में कोर्ट से इंटरम रिलीफ मांग सकते हैं. तो ये काफ़ी अच्छा प्रोटेक्ट करता है लेडीज़ को, बच्चों को, फैमिलीज़ को, जिसके अंदर यू नो दे कैन टेक लॉट ऑफ हेल्प. इसके अलावा हमारे पास जो चौथा एक्ट है दैट इज़ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956. इसके अंदर सेक्शन 18 जो है उसके अंदर जो वाइफ है वो हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ सेक्शन 19, जो कि मैरिड विडोज़ हैं जो कि फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं, वो अपने फादर इन लॉ से या जो भी उस फैमिली में मेल हैं जहाँ पर उसकी शादी हुई है वहाँ से शी कैन आस्क फॉर द मेंटेनेंस. सो दीज आर सम ऑफ द रेमेडीज़ विच आर अवेलेबल टू मैरिड वुमेन. आई होप कि रेमेडी किसी को लेनी नहीं पड़े, बट अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो दीज आर ओपन ऑप्शंस फॉर ऑल यू. वन थिंग विच आई ऑलवेज थॉट कि वी शुड क्लेरिफाई व्हाट इज़ आईपीसी, विच आई बीन यूजिंग क्वाइट यू नो रेगुलरली, सीआरपीसी एंड एविडेंस. तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा इंडियन लॉ सिस्टम है उसके अंदर ये तीन जो क्रिमिनल जो हैं उसके अंदर क्रिमिनल लॉज के अंदर आईपीसी इंडियन पिनल कोड, जिसके अंदर सारी जो क्राइम्स होते हैं वो डिफाइंड हैं और जो उनके पनिशमेंट्स हैं वो आईपीसी में डिफाइंड है. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर जो है उस जो क्राइम हुआ है उसको कैसे ट्रायल रन की जाएगी, व्हाट इज़ द प्रोसीजर लेड डाउन टू स्टार्ट द ट्रायल एंड टू फिनिश द ट्रायल, दैट इज़ इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. एंड थर्डली इज एविडेंस एक्ट, विच इज़ बेसिकली हाउ द एविडेंस विल बी लेड इन द केस, क्या एविडेंसेज इकट्ठे हुए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, कैसे गवाह आएगा, कैसे एविडेंस होगा, वो है. Open options for all of you. Thank you.